युवा, युवा क्या करे, नक्सली बने क्या करे, चार साल रेलवे के भर्ती हो गया, ये ग्रुप डी के भर्ती नहीं हो रही है, हम लोग क्या करें। अपराधी नक्सली बनाने के तरफ युवाओं को ढकला जा रहा है। ये चार साल लड़का जाएगा ड्यूटी करने के लिए, चार साल के बाद आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा। ये अफसरों पर क्यों नहीं लागू है टीओडी, केवल जवानों के साथ नाइंसाफ क्यों किया जा रहा है, किसानों के साथ नाइंसाफ क्यों किया जा रहा है। ड्यूटी लागू हुआ है, डिमांड है सरकार से, जो टूर ऑफ ड्यूटी लागू हुआ है, मान लीजिए चार साल लड़का जाएगा ड्यूटी करने के लिए, चार साल के बाद आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा। चार यहाँ पर आकर आतंकवादिया ना बनेगा, मान लीजिए वहाँ से तो पूरा ट्रेन होकर आएगा, यहाँ पर आएगा तो पुलिस से भी ना पकड़ाएगा, पुलिस जो आर्मी का ट्रेनिंग लेकर आएगा यहाँ पर पुलिस से पकड़ाएगा। आपके कहने का मतलब है कि अपराधी बनाने की तरफ युवाओं को ढकेला जा रहा है। अपराधी नक्सली बनाने के तरफ युवाओं को ढकेला जा रहा है। हमारा सर मुख मुद्दा है, ये मुख मुद्दा है कि टीओडी वापस करे और जो हमारा आर्मी एग्जाम सी पेंडिंग है वो कराया जाए, जल्द से जल्द कराया जाए। युवा का यही मांग है, टीओडी वापस किया जाए और सी एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए। हम लोग का डेढ़ साल से पेंडिंग चल रहा है, कोरोना काल का बता के बार बार कैंसिल किया जा रहा है, बार बार कैंसिल किया जा रहा है। और ये बताना चाहते हैं कि ये अफसरों पर क्यों नहीं लागू है टीओडी, केवल जवानों के साथ नाइंसाफ क्यों किया जा रहा है, किसानों के साथ नाइंसाफ क्यों किया जा रहा है। टीओडी लागू हुआ है तो पूरे अफसरों पर भी लागू, टीओडी अफसरों पर भी लगाओ, केवल जवानों पर क्यों लगाया जा रहा है। हमारा दो साल से पेंडिंग चल रहा है और बार बार एडमिट कार्ड कैंसिल किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि कोरोना है। आज बताया जा रहा है कि एग्जाम ये हो गया वो हो गया, उसके बाद कोई लग रहा है कि रक्षा मंत्री जी हमारे राजनाथ जी हैं जो कुछ भी आदेश नहीं कर रहे हैं, कुछ भी स्पष्ट शब्दों में बयान नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या करें। हम लोग आंदोलन से फायदा होगा, आंदोलन से सर नहीं, हम लोग अपना मुद्दा रख रहे हैं। युवा क्या करे, नक्सली बने क्या करे, चार साल रेलवे के भर्ती हो गया, ये ग्रुप डी के भर्ती नहीं हो रही है, हम लोग क्या करें। चार साल हो गया रेलवे का एग्जाम भी नहीं हो रहा है, सी एग्जाम नहीं हुआ है, ग्रुप डी का भी एग्जाम नहीं हुआ है, रेलवे का कोई एग्जाम नहीं चल रहा है। हमारा डेढ़ साल हो गया अभी तक एग्जाम नहीं कराया जा रहा है, युवा के साथ ये और बोल रहे हैं कि टीओडी का चार साल का।